x upon a. तो फिर प्लस नेक्स्ट जो माइनस वाला उसको ये किस टाइप का ये भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि x है आपका पहले क्या करा माइनस माइनस क्या है ब्रैकेट में माइनस माइनस ये dx रूट के बाहर है फिर अंडर रूट और बताओ माइनस बाहर क्या लिखेंगे उसके बाद माइनस बाहर ये क्या हो गया उसके बाद अब माइनस को अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा अंडर अब कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है x x बाय 2 ये पूरा x है बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर क्या होता है इसका स्क्वायर 13 बाय 4 a स्क्वायर बाय 2 बाय 2 साइन इनवर्स x x अपॉन ये इस प्लस सी आंसर ये तो आगे समझ कैसे करना है बस परफेक्ट स्केल ला लो फिर फॉर्मूला लगाना है वो ये किस टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन तो मेथड तो वही करना है लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक क्या करते हैं उसमें लीनियर जो भी लीनियर है इज इक्वल टू a टाइम्स इसका डेरिवेटिव प्लस b अब x का कोफिशिएंट यहां पर 2 यहां पर 2a तो a की वैल्यू क्या आएगा कांस्टेंट टर्म इधर 5 है इधर कांस्टेंट टर्म a की जगह 1 डाला तो 9 हो गया b की वैल्यू अब a की जगह क्या डालना है 1 into 2x minus 4 plus b की जगह 9 ये किसका आंसर है ये 2x plus 5 इस 2x plus 5 को हमने ऐसे लिखा इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है root x square minus 4x plus 3 और इसका dx अब इसको दोनों से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे क्या बना फर्स्ट पार्ट 2x minus 4 into में अंडर रूट x square minus 4x plus 3 इसका dx अलग से कर फिर क्या आएगा plus 9 into under root में x square minus 4x plus 3 इसका भी integration अब दो question बन गया किस part में अगर इसको t लेते हैं किसको x square minus 4x plus 3 को t ले तो क्या हो जाएगा 2x minus 4 into dx is equal to dt है हमारे पास हाँ 2x minus 4 into dx को हटाकर dt ये हो जाएगा अंडर रूट में इस पार्ट को हटाकर टी टी की पावर रूट का मतलब हाफ होता है इसका इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ प्लस 1 3 बाय 2 नीचे भी 3 बाय 2 टी को हटाकर उसकी वैल्यू डाल देंगे इसका आंसर आ गया ये किस टाइप का है अंडर रूट क्वाड्रेटिक इसका इंटीग्रेशन करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो है लेकिन कॉमन कुछ लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस 1 है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 इसका dx अब प्लस 9 इंटीग्रेशन में अंदर क्या होगा ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर उसका dx कौन सा फॉर्म लगेगा अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x क्या होता है सेकंड फॉर्मूला x ये पूरा x है x रूट x माइनस x अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फिर आता है माइनस a का स्क्वायर a का स्क्वायर a का स्क्वायर और बाय 2 फिर क्या आता है लॉग x ये x प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और फिर प्लस c ठीक है मेथड तो वही है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कौन सी टाइप का दिखाई क्वेश्चन ये क्या करते हैं लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक लीनियर इज इक्वल टू लीनियर x प्लस 5 ये जो लीनियर है वो किसके इक्वल होगा a इनटू में इसका डेरिवेटिव और प्लस बी
अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इधर क्या x का कोफिशिएंट 2a, तो a की वैल्यू क्या आएगा 1, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 5, और वहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस का 4a और प्लस b, अगर a की जगह 1 डाला तो b की वैल्यू 9, यहाँ पर a की जगह पर उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2x माइनस 4 प्लस b की जगह 9, ये आंसर किस चीज का, ये आंसर 2x प्लस 5 को ऐसे लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई में अंडर रूट पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसका dx कर। अब क्या करना है इसको, मल्टीप्लाई कर लो पहले इस पूरे आंसर को इससे कर लो, तो ये आएगा 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसका dx, एक तो ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, प्लस 9 इंटीग्रेशन में अंडर रूट x स्क्वायर। अब दो क्वेश्चन बन गए, फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे किया बताओ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 3 को क्या लिया हमें, d, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इसका dx इज इक्वल टू dt, कौन सा पार्ट dt हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू dx को हटाकर dt रखा, इसको हटाया तो क्या लिखा t उसका अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब t की पावर हाफ, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन करा t की पावर हाफ 3/2 t की जगह उसकी वैल्यू ला, इस पार्ट को कैसे करा, ये क्या है अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कॉमन तो कुछ लेना नहीं, बस क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 उसका इंटीग्रेशन, अब प्लस 9 इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे इस पार्ट को, ये वाला पार्ट हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म लगेगा, तो प्लस 9 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x के रूट में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x ये वाला पार्ट है x अपॉन 2 फिर अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और क्या लिखते हैं log ऑफ माइनस इसमें माइनस आएगा माइनस a स्क्वायर बाय इसी में माइनस आता है ताकि सब में प्लस a स्क्वायर बाय, और क्या लिखते हैं log ऑफ x ये वाला x x x प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और प्लस c, समझ आ गया सबको, ये कौन सी टाइप का है, ये वाला पार्ट क्या लीनियर इनटू में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक उसका इंटीग्रेशन करना है, बताओ क्या मेथड होता है, 6x जो लीनियर है 6x + 5 ये लीनियर है वो इक्वल होगा a इनटू इसका डेरिवेटिव 1 - 2x और + 3, अब x का कोफिशिएंट यहां पर 6 है, यहां पर x का कोफिशिएंट है -2a, तो a की वैल्यू क्या आएगा माइनस 3, अब कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है कांस्टेंट टर्म 5, यहां पर कांस्टेंट टर्म है a और प्लस b, a की जगह माइनस 3 डाला तो b की वैल्यू 8, पहले इस a को हटाकर क्या लिखना है माइनस 3 इनटू 1 - 2x प्लस b की जगह 8, ये किस चीज का आंसर है, अगर इसको सिंपलीफाई करें तो इस पार्ट का आंसर आएगा 6x + 5 को, ये आंसर इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन, अब बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा माइनस 3 इनटू 1 - 2x इनटू में अंडर रूट 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर, एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है और प्लस 8 प्लस 8 इनटू इंटीग्रेशन में आएगा अंडर रूट 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर इसका 2x, फर्स्ट पार्ट में क्या करा हमने 6 प्लस 6 इस पार्ट में तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर को क्या लिया हमने t, इसका डेरिवेटिव 0 इसका 1 माइनस 2x इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt, तो 1 माइनस 2x इनटू dx ये हट जाएगा माइनस 3 पहले लिखना है, ये वाला पार्ट हटकर हो जाएगा dt, इस पार्ट को हटाया तो t का अंडर रूट, रूट का मतलब पावर होता है हाफ, अब क्या होगा इसका माइनस 3 t की पावर 3/2 अपॉन b 3/2 ये कट जाएगा,
की वैल्यू डाल, इस पार्ट में क्या करना है, प्लस एट, किस टाइप से ये अंडर रूट पे क्वाड्रेटिक है उसका इंटीग्रेशन करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अंडर रूट में माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इसका डी एक्स कर, उसे नेक्स्ट स्टेप में प्लस एट इंटीग्रेशन अंडर रूट, बताओ क्या लिखेंगे पहले, माइनस तो बाहर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या आएगा प्लस एट इंटू इंटीग्रेशन में अंडर रूट में, बताओ माइनस तो बाहर है, क्या लिखेंगे पहला पार्ट, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर का, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर, तो फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे प्लस से, माइनस को अगर अंदर ले गए तो ये तो प्लस का हो जाएगा, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, अब कौन सा फॉर्म लगेगा, रूट में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू, ये चीज़ एक्स है, एक्स अपॉन टू, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस, इस ए का स्क्वायर करें क्या होता है, ए का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ए स्क्वायर बाई टू आता है, ये ए स्क्वायर बाई टू, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, तो फिर प्लस एक तो क्वेश्चन करना तुम इस टाइप का प्लान करके आए, मैं तो बता दो सब कैसे करना है, फॉर्मूले तो याद कर लेना, इंटरेस्ट रखते हैं वैसे रखते तो अभी भी कई आज तो करो 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 जल्दी करना स्पीड से, मैं तो सबको पता है ना, ये
So sorry. Which question is? इंटीग्रेशन के उससे आगे पूरा इंटीग्रेशन है सारा इससे बाद में आता है कोई इशू कैसे होगा सबसे ये बताओ कैसे करना है ये लीनियर किस टाइप का ये एक तो लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक क्या लिखेंगे इसके जो लीनियर है 4x minus 3 is equal to a into इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसका डेरिवेटिव 5 minus 6x और प्लस इसमें x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 यहाँ पर x का कोफिशिएंट minus 6a तो a की वैल्यू आएगा minus 2 by 3
अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है माइनस थ्री, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है टू ए प्लस बी, ए को हटाकर क्या लिखेंगे माइनस टू बाई थ्री, ये माइनस फोर बाई थ्री इधर जाकर प्लस फोर बाई थ्री, तो बी की वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री, बताओ कैसे रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, ए को हटाकर माइनस टू बाई थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एक्स, बी की जगह माइनस फाइव बाई थ्री, ये किसका आंसर आ गया, ये फोर एक्स माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर सिक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स के, इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस टू बाई थ्री, इंटीग्रेशन में टू माइनस सिक्स एक्स इंटू अंडर रूट के सिक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स के इसका डी एक्स। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस फाइव बाई थ्री इंटीग्रेशन अंडर रूट सिक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स के इसका डी एक्स। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस पार्ट को टी देना है, क्या गया पर सिक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स के, तो क्या लिया हमने, क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस सिक्स एक्स, इस पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा डी टी, तो माइनस टू बाई थ्री, इस पार्ट को तो हटाकर हमने लिखा डी टी, तो ये अंडर रूट टी का मतलब पावर हाफ, तो माइनस टू बाई थ्री, क्या आएगा टी की पावर हाफ प्लस वन डी बाई टू, डी बाई टू टी की जगह उसके वैल्यू, इस पार्ट में माइनस फाइव बाई थ्री, ये किस टाइप पे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है उसका इंटीग्रेशन करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले क्या कॉमन लेंगे माइनस नहीं, पहले थ्री कॉमन लेंगे, पहले थ्री बाहर आएगा तो बाहर आकर क्या हो जाएगा रूट थ्री, अगर थ्री का अंडर रूट बाहर आएगा रूट थ्री बाहर आ गया तो रूट थ्री से कट जाएगा, तो थ्री से डिवाइड कर दो, थ्री कॉमन लिया तो टू प्लस टू बाई थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स, ठीक है ना, पहले थ्री कॉमन लेना स्टेप वाइज, थ्री बाहर आकर क्या हो जाएगा रूट थ्री, अब ये बाहर तो माइनस फाइव बाई रूट थ्री है, अब क्या करें इंटीग्रेशन में माइनस अगर कॉमन लिया ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस टू और उसका इंटीग्रेशन, अब बाहर तो है माइनस फाइव बाई रूट थ्री, इंटीग्रेशन अंडर रूट में बताओ क्या लिखेंगे, पहले माइनस को कॉमन लिया हमने क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस क्या कर रहे हैं इसके कोफिशिएंट का एक्स के कोफिशिएंट इसके हाफ का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा वन बाई नाइन, तो प्लस वन बाई नाइन माइनस वन बाई नाइन और माइनस टू इसका डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस फाइव बाई रूट थ्री इंटीग्रेशन अंडर रूट, बताओ क्या लिखेंगे पहले माइनस को बाहर ब्रैकेट में, ये पार्ट क्या हो गया एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट नाइनटीन बाई नाइन और रूट नाइनटीन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर और इसका डी एक्स कर, अब बताओ क्या करेंगे माइनस फाइव बाई रूट थ्री इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो गया रूट नाइनटीन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है रूट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर एक्स बाई टू, ये एक्स है एक्स बाई टू, फिर क्या आता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखते हैं प्लस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर बाई टू, इसका स्क्वायर होता है नाइनटीन बाई नाइन बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, फिर होता है साइन इनवर्स फिर एक्स अपॉन ए फिर प्लस सी, काफी लेंथ के आंसर हो गए इसका, ये वाला भी लिखना है इसी के आंसर के साथ, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका है इसको रेशनलाइज करना है इनटू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स,
अपॉन में भी वन माइनस कोसेक्स। अब इंटीग्रेशन में ऊपर क्या आएगा वन, नीचे कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस एन, तो वन माइनस एक्स और इसका डीएक्स। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, नीचे वाला रूट अभी बचा। अब इसको अलग अलग करना है, पहले वन अपॉन माइनस एक्स इसका डीएक्स माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स इसका डीएक्स। उसके बाद ये कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पर, वन अपॉन रूट एक्स ही माना जाएगा, लीनियर है। वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू अंडर रूट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है माइनस वन अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि लीनियर है। अच्छा कौन सा फॉर्मूला, वन अपॉन अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला होता है टू रूट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यार इस पार्ट में क्या करना है, इसमें दो मेथड है, नोट्स में देख लेते हैं। इसमें दोनों में रूट है, रूट वन माइनस एक्स को टी ले देते हैं, क्या लेते हैं रूट वन माइनस एक्स को स्केलिंग करें तो क्या हो गया वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर। अब डेरिवेटिव करें इसका क्या हो गया जीरो, इसका माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टू टी और डी टी। ये माइनस यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया, तो इस डी एक्स को हटाकर क्या लिखा हमने, ये माइनस बाहर था, हमने माइनस लिखा और टू और टी और डी टी। ये किसकी जगह लिखा डी एक्स की जगह पर, नीचे क्या है हमारे पास रूट वन माइनस एक्स है, रूट वन माइनस एक्स का मतलब टी और ऊपर अंडर रूट में क्या चीज़ है एक्स है, क्या होगी एक्स की वैल्यू ये टी से टी कट जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, बस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला x by 2 फिर अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर आता है प्लस a स्क्वायर फिर अपॉन 2 फिर साइन इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस c। यहां t आए वहां पर ये वैल्यू वापस डालो। अब बताओ पहले इसको रेशनलाइज करा, उसके बाद क्या होगा रेशनलाइज करने के बाद इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट में 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी तो वन माइनस एक्स और इसका डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा लेकिन नीचे वाला रूट अभी ना, अब पहले क्या लिखेंगे वन उसके नीचे अंडर रूट वन माइनस एक्स इसका डी एक्स, उसके बाद माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स इसका डी एक्स। इसमें कौन सा फॉर्मूला, वन अपॉन रूट एक्स है, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस। इस पार्ट में क्या करना है, वन माइनस एक्स तो क्या करना है इस पार्ट में अंडर रूट वन माइनस। हेलो हाँ ओके I'm so glad.
यू लर्न इट बैक अप एक बार मैंने ना केरला में छोड़ दिया था उधर सारा दोस्त मैं छोड़ दिया बस मैं पानी पर मैंने से पानी पर पांच सौ निकाला दोस्त ने ये कहा a plus b a minus b तो 1 minus x इसका dx करना है next step में
इसके से न्यूमरेटर का रूट कट जाएगा, डिनोमिनेटर का रूट कट जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे क्या आएगा पहले अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स इसका डी एक्स फिर निकले माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स इसका डी एक्स क्या फॉर्मूला होगा इसमें वन अपॉन रूट एक्स है वन अपॉन रूट एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस है इस पार्ट में रूट वन माइनस एक्स को आप स्केलिंग करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्केल इसका डेरिवेटिव जीरो इसका माइनस ये माइनस यहाँ सेट कर यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले डी एक्स को हटाकर माइनस फिर टू टी और डी टी और नीचे जो है रूट वन माइनस एक्स इसको हटाकर इसकी जगह टी और ऊपर अंडर रूट में एक्स को हटा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू टी की टर्म में आएगा वन माइनस टी स्केयर ये टी से टी करके ये रूट ए स्केयर माइनस एक्स उसका फॉर्मूला रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर फिर आता है प्लस ए स्केयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और फिर प्लस सी इसमें जान इंटीग्रेशन बस अभी हम वो कर लें खाली इंटरसेक्ट करके तो दो पार्ट्स में कर लेंगे पहले 159 तक कर लेंगे उसमें इंटरप्रेट कर हो जाते हैं डेविएशन 159 तक कर लेंगे अभी हमने इंटीग्रेशन के तीन पार्ट करें पहले इंटीग्रेशन था जिसमें सिंपल फॉर्मूला है फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है जिसमें x को इसको t लेते हैं इसका डेरिवेटिव dx dt कन्वर्ट होता है तीसरा कर रहे हैं हमने सम स्पेशल सीरीज ये थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन का इसी में नौ फॉर्मूले हो गए ना सारे पहला कौन सा करा था हमने dx अपॉन क्वाड्रेटिक फिर कौन सा करा था dx अपॉन वन क्वाड्रेटिक फिर कौन सा किया क्वाड्रेटिक वो तो इसी में आ गया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक इनमें नौ फॉर्मूले हैं तीन इसके और तीन इसके कर लेना नौ के नौ फॉर्मूले इसका नेक्स्ट टाइप हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर पांचवा लास्ट पार्ट है इसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन इन छह पार्ट को कर लेंगे तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन दोबारा ये सारे आ जाएंगे बस उसमें थोड़ा लिमिट आ जाएगी और कुछ नहीं डेफिनेट आसान है इंडेफिनेट अगर अच्छी तरह आता हो तो उसी का यूज़ करना है डेफिनेट में डायरेक्टली कोई अलग नहीं है वो ये हमारे 1 to 159 तक क्वेश्चन इसके हैं इनडेफिनेटली और 159 से 246 तक ये डेफिनेटली और मिक्सअप है सारे तो पहले इस बारी 159 तक करेंगे पहले अच्छी तरह एक बार ये हो जाए ये करना आसान है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं इसके बाद हम इंटीग्रेशन इंडेफिनिट करने 159 तक करेंगे अभी फिर हम करेंगे ए ओडी एक बार प्रॉपर वे में नोट्स में से जल्दी से ए ओडी कर रखा है सबने यस सर एक बार चलो स्पीड से कर लेंगे एक बार कर रखा है सबने जिसने नहीं करा के और वीडियो देख लेना फिर मैं स्पीड से जल्दी कराऊंगा और फिर डिफरेंशिएशन कि हमने 80 तक करे थे ना क्वेश्चन 80 तक डिफरेंशिएशन के ऑप्शन करने फिर 80 टू 125 डिफरेंशिएशन के रह गए थे 1 to 80 तक तो कर रहे हैं सब 1 to 80 तक सबको आते भी होंगे 80 तक ही हमने 80 के बाद छोड़ दिया था 125 तक वो कर रहे हैं सर 1 to 80 तुम देख लेना टाइम अभी तो ये चल रहा है तो ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट वीक से कर लेंगे 2 टू 4 का टाइमिंग क्योंकि इंटीग्रेशन होगा नहीं पूरा फिर इसी में करेंगे हम इंटीग्रेशन को एक महीना चाहिए अगर तरीके से करना होगा तो संडे तक तो संडे को इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीक से कर लेंगे इस हफ्ते तो ये नेक्स्ट वीक में कर लेंगे
अपना बाई पार्ट्स चलो तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा आपको बच्चे नहीं आएंगे तो समझ नहीं आएंगे और वो किसी के आज ये तीन जनों का कौन कौन सा तीन एक तो सर ऑल द स्पॉट पेमेंट अंदर तो बराबर हो गया कभी तो हो गया लिख लो आपको लेनी है पैसे आप दो जाएंगे सर आपको देना है अरे नेक्स्ट टाइम